आज बहुत दिल से बोले और जो बात यहाँ निकली है वो दूर तलक जाएगी। बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने तो अपने पवित्र हाथों से एमएसएमई का अवार्ड बिहार को दिया, खुद अपने हाथों से दिया। शहनवाज हुसैन मनोज झा को आप एक साथ देख सकते हैं, शहनवाज हुसैन मनोज झा को यहाँ कोई जो है वो किसी पार्टी का ये मैसेज देने की कोशिश रही, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है यहाँ। क्या बड़ा मैसेज रहा सर नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री? अरे भाई कहाँ, क्या मैसेज रहा सर? एमएसएमई में सेकंड प्राइज मिल गया, इतना आज रेड टेप वाले जो है, जो बड़ा ब्रांड है, वो यहाँ लेदर का कपड़ा और जूता बनाने के लिए, आज इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योग विभाग में आए, उनका बैठक किया क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, इसलिए आप लोग को नहीं बोला है। तो कितना काम हो रहा है, बिहार तो विशेष राज्य है हमारे लिए, हम तो इसी काम में लगे हुए दिन रात, और विशेष राज्य बना देंगे बिहार को। कर्तव्यों का पालन करना, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ में पालन करेंगे तभी हम संविधान की रक्षा करेंगे। 100 साल के जो स्त्री जो स्तंभ का उद्घाटन किया है, क्या एक तरह से बिहार के कार्यकाल में जो सत्र चले उसमें एक बहुत बड़ा, इसीलिए तो कहा उन्होंने जो पहला संदेश और जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि लोगों को जहाँ जितने जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जहाँ एक और संविधान के अगर रक्षा करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं कर्तव्य और अधिकार दोनों को साथ लेके चलना। लोकतंत्र कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत शामिल कर लिया था अंग्रेजों ने, उन्होंने किस तरह प्रतिक्रिया दी थी, इसका जिक्र करके प्रधानमंत्री जी ने बिहार वासियों को अपने बिहार केसरी की याद फिर से दिला दी। देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था विधानसभा में, अब जो है वो समाप्ति की ओर है, और यहाँ देखिए कि संजय जायसवाल जो है वो निकल रहे हैं, दौड़ते हुए जो है संजय जायसवाल जो है वो जा रहे हैं। लगभग जो है अब जो है एक तरह से कार्यक्रम जो है ख़त्म हो चुका है। हम पंकज को कहेंगे कि आप जो है वो गेट की तरफ देखिए, और गेट की तरफ देखिए कि जो भी माननीय लोग हैं, खास करके जो मंत्री हैं और जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनका जो है अब निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। राधा मोहन सिंह देखिए पूर्व कृषि मंत्री हैं, उनको आप देख सकते हैं, और यहाँ देखिए कि जो है सांसद रहे हैं राधा राम मोहन सिंह, कृषि मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, वो निकलते हुए देखिए कि पूरा जो कार्यक्रम है अब वो समाप्ति की ओर है। और क्या मुख्य बातें की गई वो अब जो है वो ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जो है 7 बजने को है और 7 बज गया है। प्रधानमंत्री जो है यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे, और यहाँ देखिए कि जो प्रशासन के लोग हैं वो एक तरह से उनका जो है, हम कहेंगे पंकज को कि आप आगे चले जाइए, आप जो है विजुअल के माध्यम से दिखाइए कि विजुअल में जो है देखिए कि कैसे अश्विनी चौबे को आप देख सकते हैं, अश्विनी चौबे हैं बक्सर से जो है वो सांसद हैं, अश्विनी चौबे हैं बक्सर से सांसद हैं, और यहाँ पे देखिए कि निकल रहे हैं अश्विनी चौबे बक्सर से जो सांसद है वो निकल रहे हैं। साथ में यहाँ देखिए कि जो बड़े जो लीडर हैं बिहार बीजेपी के, वो सभी लोग पहुँच रहे हैं। पंकज कह रहे हैं कि आप जो है आगे का विजुअल दिखाते रहिए, और यहाँ देखिए कि यहाँ जो लोग निकल रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी को आप देख सकते हैं, अवध बिहारी चौधरी को आप जो है देख सकते हैं, और यहाँ देखिए कि उनसे जो है बात करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। यहाँ पे देखिए नितिन नवीन है, क्या मुख्य संदेश रहे सर प्रधानमंत्री जी का? कर्तव्यों का पालन करना, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ में पालन करेंगे तभी हम संविधान की रक्षा करेंगे। 100 साल के जो स्त्री जो स्तंभ का उद्घाटन किया है, क्या एक तरह से बिहार के कार्यकाल में जो सत्र चले उसमें एक बहुत बड़ा, इसीलिए तो कहा उन्होंने जो पहला संदेश और जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि लोगों को जहाँ जितने जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जहाँ एक और संविधान के अगर रक्षा करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं कर्तव्य और अधिकार दोनों को साथ लेके चलना। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ जो नितिन नवीन हैं पथ मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनको आप देख सकते हैं, साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो अच्छे ढंग से जो है करना है, और जो यहाँ पे देखिए कि यहाँ और भी लोग जो है वहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पे जो भी अशोक चौधरी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। क्या बड़ा मैसेज रहा सर नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री? अरे भाई कहाँ, क्या मैसेज रहा सर?
देखिए अशोक चौधरी हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं और अशोक चौधरी हैं, वो भी जो है वो निकल रहे हैं और साथ में देखिए कि और भी लोग जो हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं। कुछ देर पहले तक जो है एक तरह से पूरा रिस्ट्रिक्शन था और अब जो है जो नेता है वो निकल रहे हैं और धीरे धीरे करके अभी चाहे वो बीजेपी के रहें, जेडीयू के रहें, आरजेडी के रहें, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हैं वो भी निकल रहे हैं। देख सकते हैं विजुअल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जो है आप देख सकते हैं विजुअल में वो निकलते जो है दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो बड़े बड़े जो बिहार के जो मंत्री हैं चेहरे हैं भाजपा के वो भी जो है यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो VIP एंट्री है। आरजेडी के जो मनोज झा हैं उनको आप देख सकते हैं। हम पंकज कहेंगे कि आप जो है आगे से दिखाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के जो भी प्रतिनिधि हैं आप मनोज झा को देख सकते हैं, राज्यसभा सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। साथ में शहनवाज सैयद शहनवाज हुसैन हैं, उद्योग मंत्री हैं बिहार सरकार में। जीवेश मिश्रा हैं जो हैं वो मंत्री हैं बिहार सरकार में। हम पंकज को कहेंगे कि आप जो है कैमरे के माध्यम से जो है वो दिखाने की कोशिश करें कि कैसे कार्यक्रम जो है वो समाप्त होने के बाद जो है लोग जो है अब निकल रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ देखिए कि जीवेश देखिए साथ में जो है कि शहनवाज हुसैन मनोज झा को आप एक साथ देख सकते हैं। शहनवाज हुसैन मनोज झा को यहाँ कोई जो है वो किसी पार्टी का ये मैसेज देने की कोशिश रही किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ बिहार विधानसभा का कार्यक्रम है। तो सभी लोग सभी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो सब एक हैं और यहाँ देखिए कि एक अच्छा जो है विजुअल इसमें आ सकता है। सैयद शहनवाज हुसैन को आज जो उच्च आदर्श दिखाए थे लोकतंत्र कांग्रेस में रहते हुए, उन्होंने किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत शामिल कर लिया था अंग्रेजों ने, उन्होंने किस तरह प्रतिक्रिया दी थी, इसका जिक्र करके प्रधानमंत्री जी ने बिहार वासियों को अपने बिहार केसरी की याद फिर से दिला दी। विधानसभा का आज का उनका आना, ऐसे तो कार्यक्रम में विधानसभा के शताब्दी वर्ष का है लेकिन प्रधानमंत्री को तो बहुत प्यार करती बिहार की जनता। 40 में 39 सीट उनको देकर प्रधानमंत्री बनाया, सिर्फ एक सीट किशनगंज नहीं जीता पाए थे। प्रधानमंत्री से कितना प्रेम है, यानी स्ट्राइकिंग रेट उनसे मोहब्बत का हमारा बहुत ज्यादा है। और प्रधानमंत्री सब समाज के हर वर्ग को उन्होंने छूने का काम किया। आज बहुत दिल से बोले और जो बात यहाँ निकली है वो दूर तलक जाएगी। बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी ने तो अपने पवित्र हाथों से MSME का अवार्ड बिहार को दिया, खुद अपने हाथों से दिया। और अवार्ड देने के बाद पहली बार बिहार आए तो हम उद्योग मंत्री के नाते उनका खूब स्वागत किए और मानते हैं कि उनका आना बिहार को और ताकत देगा। विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग हो रही है सर, शताब्दी समारोह की बात हो रही है बिहार के विकास के लिए। सर भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि इतना हम विकास कर रहे हैं, MSME में सेकंड प्राइज मिल गया, इतना आज रेड टेप वाले जो हैं, जो बड़ा ब्रांड है वो यहाँ लेदर का कपड़ा और जूता बनाने के लिए आज इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योग विभाग में आए, उनका बैठक किया क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे थे इसलिए आप लोग को नहीं बुलाए। तो कितना काम हो रहा है, बिहार तो विशेष राज्य है हमारे लिए, हम तो इसी काम में लगे हुए दिन रात और विशेष राज्य बना देंगे बिहार को, इतना उद्योग लगाएंगे। तो शहनवाज हुसैन है उद्योग मंत्री है बिहार सरकार में। जब सवाल किया गया कि बिहार की विशेष राज्य के दर्जे की भी लगातार मांग हो रही है चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, लेकिन जो है उनका कहना है कि बिहार एक विशेष राज्य अपने आप में खुद है। तो आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ किसी भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बिहार विधानसभा का कार्यक्रम था, सभी पार्टी के नेता एक साथ हाथ जोड़ा करके जो है वो बाहर निकल रहे हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा।